हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। आज मैं इनोवा का सर्विसिंग करने जा रहा हूँ। इसका मेजर सर्विसिंग करेंगे, तो मेजर सर्विसिंग में क्या क्या चेंज होता है तो आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। आप इसका किलोमीटर भी देख सकते हैं, 97,800 के आसपास हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल छोड़ने से पहले हम ऑयल फ्लेशर डाल रहा हूँ। इसके बाद स्टार्ट करके 5 से 6 मिनट तक इसको चालू रखेंगे, उसके बाद इसका ऑयल छोड़ देंगे। चल गाड़ी स्टार्ट कर। तो इसका इंजन ऑयल छोड़ देता हूँ। इंजन फ्लश हो चुका है। इंजन फ्लश डाल करके गाड़ी मैंने स्टार्ट रखा था, तो अभी इसका इंजन ऑयल छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ब्रेक पैड भी गया है, तो ये ब्रेक पैड भी मैं चेंज कर दूंगा। ब्रेक पैड का थिकनेस वो थोड़ा सा बचा है, तो ये ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। और इसका सस्पेंशन भी चेक कर लिया मैंने, तो सस्पेंशन में तो कोई नॉइस वगैरह भी नहीं था और कोई बूस वगैरह भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, तो सस्पेंशन का काम तो नहीं है इसमें। इसका मेजर सर्विसिंग में सिर्फ ब्रेक पैड डालेंगे अपन और पीछे का लाइनर और जो भी फिल्टर वगैरह है वो सब रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड ने बहुत थोड़ा सा बचा है थिकनेस इसका, यानी ख़त्म ही हो गया समझो। ये साइड का तो थोड़ा है और ये साइड का पूरा ख़त्म हो गया है, तो इसका लाइनर भी रिप्लेस कर देंगे। का एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे। उसका फिल्टर तो बहुत खराब हो गया, उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसका ऑयल फिल्टर भी खोल रहे हैं हम और इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे। ये ऑयल फिल्टर है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये फिल्टर बिठाने से पहले इसकी गैस्केट में ऑयल लगा लें, उसके बाद फिल्टर बिठाएं। इसको ज़्यादा टाइट ना करें, 25 mm का टॉर्क दे इसको, 25 Nm, उससे ज़्यादा टाइट ना करें। अभी इसका हम डीजल फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे, तो डीजल फिल्टर खोल लेते हैं। तो ये डीजल फिल्टर में से डीजल निकल रहा, इसका फिल्टर रिप्लेस करने का। ये डीजल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये डीजल से इंजन को वॉश करेंगे इससे। तो आप देख सकते हैं इसका डीजल फिल्टर हमने खोल चुके हैं और ये फिल्टर इतना गंदा है, पूरा काला हो चुका है, तो ये न्यू फिल्टर हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसका हम गैस्केट रिप्लेस करेंगे। ये ओरिंग है, ये फिल्टर के साथ में नया ओरिंग आता है, उसको रिप्लेस करेंगे। इसका न्यू फिल्टर भी डाल रहे हैं हम।
कर दे फुल टाइट। बस बस, तो हमारा ये डीजल फिल्टर भी रिप्लेस हो गया है। इसका डीजल फिल्टर हमने बिठा दिए और अभी ईयर भी निकाल दिए पम्प मार मार के। बस बस, तो ये एयर फिल्टर में बहुत सारा कचरा है, तो इसको एयर प्रेशर मार के जो भी रहेगा डस्ट वगैरह कचरा वगैरह वो निकाल लेंगे। ये न्यू ईयर फिल्टर हम रिप्लेस कर देंगे। ईयर फिल्टर भी रिप्लेस हो गया इसका। ये आप देख सकते हैं मोबिल का ऑयल डाल रहे हैं हम। इसका ऑयल ग्रेड है 5W30 और इसमें ऑयल बैठेगा 6.9 लीटर। तो हम इसका मोबिल का ऑयल डालने जा रहे हैं। तो इसका टाइमिंग बेल्ट भी हम रिप्लेस करेंगे। इसका टाइमिंग का लाइट आया था कुछ दिन पहले आया था, उसको रिसेट कर दिया गया था टाइमिंग का लाइट, और उस टाइम इसका बेल्ट चेंज नहीं हुआ था। तो आज हम इसका बेल्ट भी चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका बेल्ट मंगाया हुआ है, ओरिजिनल बेल्ट है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे। कर स्टार्ट, देख सकते हैं बेल्ट भी डालने के बाद हमने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी। हो गया ये टाइमिंग का काम। तो इसका हम लाइनर चेंज कर रहे हैं, और ये ड्रम तो अच्छा है, ड्रम कट वगैरह नहीं है, तो इसको सिर्फ पेपर मार के हम लगा देंगे। और पेपर तो देख सकते हैं इसका हमने ब्रेक पैड ब्रेक लाइनर भी चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका ये एसी फिल्टर है, यहाँ पे एसी फिल्टर बैठता है, मैं एसी फिल्टर भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये हमारा न्यू फिल्टर और ये जूना फिल्टर, ये बहुत खराब हो चुका है, ये फिल्टर मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये न्यू फिल्टर, तो इसका ब्रेक पैड भी रिप्लेस कर दिया हमने। ये जूना ब्रेक पैड, इसमें बहुत कम थिकनेस बचा था, तो न्यू ब्रेक पैड डाल दिए। इसका डिस्क ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसके लिए हमने डिस्क वगैरह कुछ कट वगैरह या चेंज वगैरह नहीं किए, सिर्फ इसका ब्रेक पैड गया था, तो ब्रेक पैड हमने रिप्लेस कर दिए। तो इसका ये गियर ऑयल है, आप देख सकते हैं कितनी काला हो गया है गियर ऑयल। और इसमें ऐसा बर भी दिख रहा है, मेटल बर, तो ये हम रिप्लेस कर दिए। अभी इसका डिफरेंशियल ऑयल छोड़ने जा रहा हूँ मैं। इसका हमने डिफरेंशियल ऑयल भी छोड़ दिया, नया ऑयल डालेंगे। 1,00,000 किलोमीटर हो गया पर इसका ऑयल कभी चेंज हुआ ही नहीं, इतना बेकार कंडीशन में है, बहुत ही काला ऑयल निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये छोड़ के हम नया ऑयल डाल देंगे। इसका पावर स्टीयरिंग भी हम रिप्लेस कर दिए।
बहुत ही ख़राब हो गया था, काला पड़ गया था ऑयल, तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने। तो इसका लैच भी हम ग्रीस कर दे रहे हैं, चारों डोर का लैच इंचेस। ये वाइपर वाइसर में हम लिक्विड डालेंगे। इससे कांच अच्छा साफ हो जाता है। तो इसका रेटर भी फ्लश करेंगे हम। तो रेटर फ्लश भी इसमें हम डाल रहे हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा गाड़ी गर्म करेंगे, उसके बाद पूरा कूलेंट छोड़ देंगे इसकी, और फिर से नया कूलेंट डालेंगे। इसका कूलेंट भी छोड़ दिया मैंने, इसमें रेटर फ्लश डाला था, तो ये छोड़ दिया अभी। इसमें सादा पानी डाल के एक बार वापिस छोड़ूंगा, उसके बाद फिर से इसमें कूलेंट डाल दूंगा। तो हम लाल कूलेंट डाल रहे हैं इसमें, पहले भी लाल कूलेंट ही डाला हुआ था। दो लीटर कूलेंट डालेंगे इसमें। तो इसका सब लाइट भी चेक कर लेते हैं, कोई बल्ब तो नहीं गया है। तो हेडलाइट वगैरह तो चालू है। ए अपा डिपर कर, हाँ ओके। तो आप देख सकते हैं इसके पार्किंग बल्ब होता है, छोटी सी बल्ब होती है, एक प्रेस बल्ब होता है, तो ये बल्ब नहीं लग रहा है। तो दोनों हेडलाइट का बल्ब नहीं लग रहा है, तो ये बल्ब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी इंडिकेटर वगैरह तो लग रहा है, और पीछे का भी हम देख लेंगे। तो पीछे का भी इंडिकेटर वगैरह चालू है। ए ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक छोड़, ब्रेक छोड़, मार, क्लच दबा के रिवर्स डाल, क्लच दबा, रिवर्स डाल, क्लच छोड़ लो, नहीं क्लच। हाँ ठीक है। तो पीछे का तो लाइट वगैरह सब चालू दिख रहा है। ये लाइट देख लेते हैं, तो नंबर प्लेट का एक लाइट चालू है और एक लाइट बंद है। तो पानी ठीक से उड़ रहा नहीं इसका वाइपर वाइसर, एक साइड का तो बराबर काम कर रहा है, निकले एक साइड का पूरा जाम है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, जो भी रहेगा इसके अंदर कचरा वगैरह वो निकाल के फिर एक बार चेक करेंगे। इसका इंजन देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, ये देख सकते हैं ऑयली ऑयली हो गया है पूरा इंजन। तो इसको हम डीजल वाश करेंगे, और उसके बाद वाशिंग कर देंगे प्रेशर से, ये सब निकल जाएगा। तो ये हमारा डीजल जो हमने इसमें से निकाले थे, डीजल फिल्टर में से जो डीजल निकला था, वही डीजल यूज कर रहे हैं हम इसको। तो इसको पूरा इंजन में डीजल मारेंगे और फिर इसको वाश करेंगे। तो हमने पूरा इंजन को डीजल मार के रख दिया है, अभी गाड़ी जाएगी वाशिंग को, तो इसको फुल प्रेशर से वाश कर देंगे। उसके बाद वाश कराने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा है। ये हमारा चंद्रा टायर्स व्हील एलिमेंट का है, तो मैं यहाँ पे व्हील एलिमेंट करने आया हूँ। तो इसका सेटअप पूरा लग गया है, उसके बाद व्हील एलिमेंट करेंगे। तो ये हमारा चंद्रा सेट है, इनका भी एलिमेंट बहुत फेमस है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में, तो मैं इनके पास आया हूँ एलिमेंट करने के लिए। ये हमारा रीडिंग देख सकते हैं, इसका टोई बहुत ज़्यादा आउट है, कस्टर और कैम्बर तो चल जाएगा, निकल टोई बहुत आउट है, तो टोई सेटिंग करना पड़ेगा इसका। तो हमारा एलिमेंट का सेटिंग चालू है,
सेटिंग करने के बाद आपको रीडिंग दिखाते हैं कितना आया। ये सेट तो हो गया, दूसरा साइड में तो फाइनल हमारा अलाइनमेंट भी हो गया। आप इसका रीडिंग भी देख सकते हो, तो आई भी बराबर है, कस्टर और कैम्बर ये तीनों ओके हो गए। हमारा वॉशिंग चालू है, इसका इंजन में डीजल मारे थे, अभी डीजल मार के इसको प्रेशर वॉश कर रहे हैं, फुल बॉडी वॉश करेंगे। वैक्यूम वगैरह सब हो चुका है, फिर बॉडी वॉश रह चुका है। हमारा इंजन वॉश हो चुका है, देख सकते हो वॉश होने के बाद में कितनी क्लीन हो गया है। पहले कितना इसमें गंदगी थी, ऑयल लीकेज वगैरह, बारीक लीकेज वगैरह रहता है, उसकी वजह से ऑयल हो गया था, पूरा ऑयली ऑयली इंजन था। तो इसको डीजल वॉश करे हमने और पूरे इंजन डिपार्टमेंट क्लीन हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका सर्विसिंग काम फाइनल हो चुका है और हम आए हैं टेस्ट ड्राइव को, तो इसको ले रहे हैं छोटा सा टेस्ट ड्राइव और आपको बताते हैं कैसा चल रही है गाड़ी। तो ऐसा चलने में कोई भी इशू नहीं है, अभी फिलहाल तो गाड़ी अच्छा चल रहा है और ब्रेक वगैरह भी अच्छा हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा पूरा फाइनल इसका काम हो चुका है, जो भी सर्विसिंग का था तो सर्विसिंग हो गया और वॉशिंग वगैरह भी हो गया, टेस्ट ड्राइव ले लिए हमने, तो ऐसा कुछ इशू नहीं लगा टेस्ट ड्राइव लेने में। गाड़ी पहले से तो बेहतर चल रहा है, अभी ब्रेक वगैरह भी अच्छा हो गया इसका। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।